नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में खूब हंगामा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के इस हंगामे के बीच राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर सवाल किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अलवर दिल्ली पानीपत रेलवे रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने उनका जवाब भी दिया। तो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ सवाल जवाब हुए हैं। तो सवाल किया गया अलवर दिल्ली पानीपत रेलवे परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में, जिसका जवाब दिया गया। और जवाब में कहा गया कि हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन प्राप्त हो गया है और तथापि इस पर काम भी किया जाएगा। और कार्तिकेय शर्मा ने सवाल पूछा क्या कि उक्त परियोजना के पूरे होने में विलम्ब हुआ है, इसको लेकर भी जवाब दिया गया। कहा गया कि ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली SNB और दिल्ली पानीपत को लेकर ये जवाब जो है वो दिया गया है। सरकार के पास हरियाणा में ऐसी अन्य रैपिड रेल परियोजना शुरू करने की कोई भी योजना है? कार्तिकेय शर्मा की तरफ से ये सवाल पूछा गया, जिसका जवाब आया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 2 RRTS कॉरिडोर की पहचान की है, जो कि हरियाणा से गुजरेंगे दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक। और ऐसे में सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो देखने को मिला। तो राज्यसभा में सवाल और जवाब हुए हैं, जिसमें कार्तिकेय शर्मा ने कई सवाल पूछे, जनहित से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब भी बखूबी दिया गया है। तो प्रदेशों से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए यहाँ पर। कार्तिकेय शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार के पास हरियाणा में ऐसी अन्य रैपिड रेल परियोजना शुरू करने की कोई भी योजना है? उसके जवाब में कहा गया कि रेल मंत्रालय के ने बताया है कि हरियाणा के से गुजरने वाली 2 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण स्वीकृति किए गए हैं, दिल्ली आगरा एलिवेटेड हाई स्पीड दिल्ली रेवाड़ी जयपुर, जो कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक का तय किया गया है। इसको लेकर ये जवाब जो है वो भी सामने आया है। तो सवाल और जवाब का सिलसिला देखने को मिला। तो लगातार कार्तिकेय शर्मा संसद में कई तरह के सवाल या जवाब जो है वो उठाए। उन्होंने पूछा कि अलवर दिल्ली पानीपत रैपिड रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, उसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया है। कहा कि हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन प्राप्त हो गया है और तथापि इसको काम भी किया जाएगा, इस पर काम लगातार जारी है। और इसके साथ ही आगे सवाल पूछा गया कि क्या उक्त परियोजना को पूरा होने में विलम्ब हुआ है, उसको लेकर भी जवाब दिया गया। कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली NSB और दिल्ली पानीपत RRTM कॉरिडोर अनुमोदित नहीं किया है, इसीलिए देरी का प्रश्न नहीं उठता है। कार्तिकेय शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार के पास हरियाणा में ऐसी अन्य रैपिड रेल परियोजना शुरू करने की कोई आगे योजना है, उसको लेकर जवाब आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 2 RRTS कॉरिडोर की पहचान की है, जो कि हरियाणा से गुजरेंगे दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक है। तो लगातार जो सवाल और जवाब का सिलसिला है वो देखने को मिला है। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रदेशों से जुड़े हुए जनहित से जुड़े हुए कई मुद्दों को संसद में उठाए हैं, जिसका जवाब भी बखूबी दिया गया है। तो आगे सवाल किया गया क्या सरकार के पास हरियाणा में ऐसी अन्य रैपिड रेल परियोजना शुरू करने की कोई भी योजना है, उसको लेकर भी जवाब आया है, जिसमें कहा गया कि रेल मंत्रालय ने बताया है कि हरियाणा से गुजरने वाली 2 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण स्वीकृति किए गए हैं, दिल्ली आगरा एलिवेटेड है और भी कई ऐसी हैं। सवाल पूछा गया कि अलवर दिल्ली पानीपत रैपिड रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा है, उसका जवाब आया हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन प्राप्त हो गया है और तथापि इस पर भी काम किया जा रहा है, और क्या उक्त परियोजना के पूरे होने में विलंब हुआ है देरी हुई है, उसके जवाब में आया कि ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली SNB और दिल्ली पानीपत। तो सवाल पूछा गया कि क्या सरकार के पास हरियाणा में ऐसी अन्य तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा ने संसद में जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाया है, उन्होंने कई मुद्दे ऐसे हैं उसको उठाया जिसमें रैपिड रेल परियोजना भी शामिल है, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सरकार के पास हरियाणा में ऐसी अन्य रैपिड रेल परियोजना शुरू करने की अभी कोई योजना है, तो उसका भी जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि चिन्हित किए गए हैं कई ऐसे जगह है जैसे दिल्ली आगरा एलिवेटेड हाई स्पीड दिल्ली रेवाड़ी जयपुर, ये तमाम वो जगह जहाँ पर आगे जाके सरकार काम कर सकती है। तो कई मुद्दों को उठाया गया है।
इसके साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने पूछा कि अलवर दिल्ली पानीपत रैपिड रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल डेवलपमेंट किया जा रहा है, तमाम डेवलपमेंट के मुद्दे को यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा उठाते हुए नजर आए हैं। तो राज्यसभा सांसद ने ये तमाम मुद्दे उठाए हैं। आपको बता दें कि हरदीप पुरी ने इनका बखूबी जवाब भी दिया है। तो राज्यसभा में सवाल और जवाब का सिलसिला काफी लंबे वक्त तक देखने को मिला है, और इस दरमियान कार्तिकेय शर्मा ने जनहित के तमाम मुद्दों को उठाया, जिसमें कई सवाल पूछे गए हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अलवर दिल्ली पानीपत रैपिड रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, उसको लेकर भी यहाँ पर हरदीप पुरी ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार काम कर रही है और काम भी जल्द पूरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या युक्त परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ। सहयोगी मनोहर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद में कई सवाल पूछे जो कि जनहित से जुड़े हुए रहे। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल किया था कि जो अलवर से लेकर के पानीपत जो दिल्ली होते हुए जाएगी, इस परियोजना जो रैपिड रेल परियोजना है, क्या इसमें विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है, इसका जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो वित्तीय अनुमति मिलनी चाहिए, वो दिल्ली सरकार की ओर से नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जवाब दिया गया है उसमें लिखा गया है, उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार और राजस्थान की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ